वेल, मंगल लक्ष्मी जो शो है ये दो बहनों की कहानी है, जहाँ मंगल जो दीपिका प्ले कर रही हैं वो अपनी छोटी बहन लक्ष्मी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ रही हैं जो उनको रिस्पेक्ट दे, उनका सम्मान करे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल के लाइफ में वो रिस्पेक्ट मिसिंग है. एंड वो क्यों मिसिंग है, बिकॉज मैं जो उनका हस्बैंड हूँ आदित, आई एम एन आईटी इंजीनियर, पढ़ा लिखा एडुकेटेड हूँ, अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और अपने माँ की खुशी के लिए मंगल से शादी करता हूँ, बिकॉज मेरी माँ को लगता है मंगल कहीं ना कहीं मेरे लिए एक परफेक्ट वाइफ है. एंड उस प्रेशर में आके शादी तो कर लेता हूँ, आज 15 साल हो गए शादी को, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मंगल इतनी एडुकेटेड नहीं है, इतनी स्मार्ट नहीं है, एंड आई डिज़र्व समवन बेटर. तो इसलिए मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ. एंड मंगल मुझे ऐसा लगता है कि वो बस घर का तो काम कर रही है, खाना बना रही है, बच्चों को संभाल रही है, इतना कुछ मेजर नहीं कर रही है, जो कि नहीं है. एंड वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ मैं उसे. तो इसलिए मंगल अपने अनुभव से संवारना चाहती है अपनी बहन की ज़िंदगी, एंड ऐसा कोई ढूंढना चाहती है जो उसके हस्बैंड की तरह नहीं है. हाँ, स्पेशली मंगल के साथ वो ऐसा बिहेव करता है बिकॉज उसे लगता है कि वो सुपीरियर है एंड मंगल उसके स्टैंडर्ड की नहीं है, तो थोड़ा इरिटेटेड रहता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है. तो हाँ, वो थोड़ा सा निकल कर आता है फ्रस्ट्रेशन मंगल के साथ. कोई रीज़न नहीं था, बस अपने आप. मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा ब्रेक हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, बिकॉज एज एन एक्टर आपको थोड़ी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, एज एन एक्टर इट्स वेरी इनसिक्योर लाइफ. तो मैंने सोचा चलो प्रोडक्शन करता हूँ, एंड वी वर डूइंग वेरी वेल. मैंने 2-3 वेब शोज प्रोड्यूस किए, फिल्म्स प्रोड्यूस किए, देन कोविड हैपेंड, देन आई गॉट मैरिड, बेबी हैपेंड. तो ना चाहकर भी मुझे दूर रहना पड़ा टीवी से, बट प्लान वॉज टू कम बैक इन 2024 एंड 23rd के दिसंबर के एंड में मुझे पता चला कि ये शो हो रहा है, एंड आई वॉज फाइनलाइज फॉर इट. तो बेस्ट स्टार्ट 2024. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब फैबुलस एक्टर, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इससे पहले, बहुत पॉपुलर हैं. तो इस शो के लिए हमारे लिए मतलब शी वॉज द बेस्ट कास्टिंग एज पर द मेकर्स, एंड बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करता हूँ मैं उनके साथ. अभी हम दिल्ली भी गए थे साथ में शूट करने के लिए, तो इट्स बीन 2 months हम साथ में शूट कर रहे हैं, एंड इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. देखिए, कोई भी ये नहीं सोचता कि टीवी शो बंद हो जाएगा, जो भी बनाता है यही सोच के बनाता है कि हम कुछ अच्छा बना रहे हैं. कुछ चीज़ें ऑडियंस से कनेक्ट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. ऐसा भी हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे शोज़ जो नहीं कनेक्ट हुए, लम्हे बोल के एक फिल्म बनी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी बट कनेक्ट नहीं हुई, नहीं चली. अग्निपथ इतनी अच्छी फिल्म थी, नहीं चली. तो यू नेवर नो ऑडियंस को क्या पसंद आया, क्या ना आए. सो हम तो यही सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा शो करें. जैसे इस शो से मुझे इतना पॉजिटिव वाइब है, मुझे लगता है दिस गोना बी अ ब्लॉकबस्टर. इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ है इस शो में. सो एंड जस्ट होप कि ऑडियंस को पसंद आए. मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं, बिकॉज ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले ही नहीं किया है. इससे पहले मैं सिर्फ क्यूट गुड बॉय, बॉय नेक्स्ट डोर ही प्ले किया है, एक श्रवण कुमार वाले रोल्स. सो फॉर मी एज एन एक्टर, अगर मुझे कम बैक करना है और दिखना है, तो इससे अच्छा कैरेक्टर मुझे नहीं मिल सकता था, जहाँ इतना मल्टी लेयर है, इतना कुछ है एज एन एक्टर मेरे लिए करने को. देन कलर्स, प्राइम टाइम, दीपिका ऑपोजिट मी, मतलब एवरीथिंग वॉज सो पॉजिटिव. सो आई हैड टू टेक दिस अप, डेफिनेटली. मतलब बट मेरा इतना लंबा ब्रेक हुआ है, और मेरा प्लान भी यही था, बिकॉज माय बेबी इज 3 years, कि पहले मैं 3 साल काम नहीं करूँगा. आई वॉन्ट टू गिव ऑल माई टाइम टू माई बेबी. तो अब मैं एकदम फ्रेश अंदर जा रहा हूँ टीवी में वापस करने, और मैं ये कर चुका हूँ ये ग्रिल. 12-15 घंटा मेरे लिए बड़ी बात नहीं है. तो मैंने रेस्ट करके आया हूँ, तो अभी तो मैं काम करना चाहता हूँ. अभी नेक्स्ट 1 year तो आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क एंड गिव ऑल माई टाइम टू दिस शो, एंड आई होप ये शो लंबा चले एंड मैं ऐसे ही काम और बिजी कर रहता रहूँ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. फैंस से यही कहना चाहता हूँ कि इतने साल लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ गायब हो, आई एम फाइनली बैक. मंगल लक्ष्मी 27 February 9 PM कलर्स पर आ रहा है. प्लीज़ आइए, देखिए, बहुत अच्छा शो है, आपको मज़ा आएगा, बहुत ही रिलेटेबल है, एंड यू विल लव इट.